प्रेस्टीज प्रबंधन संस्थान ग्वालियर में 23वें बैच के छात्रों के नए सत्र का शुभारंभ हो गया है। इसके लिए एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया जिसमें बीकॉम, बीएल, एलएलबी के लगभग 400 छात्रों ने शिरकत की। रोल सर, ये इन्वोकेशन प्रोग्राम के बारे में थोड़ा जानकारी। प्रेस्टीज प्रबंधन संस्थान में आज अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स का इन्वोकेशन सेरेमनी है। इसमें बीबीए का इन्वोकेशन सेरेमनी पहले हो गया था, तो बीबीए को छोड़कर बाकी सारे यूजी प्रोग्राम जिसमें हिस्सा ले रहे हैं। इस इन्वोकेशन प्रोग्राम में सारे फैकल्टी एंड स्टाफ मेंबर्स अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, अपनी जिम्मेवारियाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात करते हैं ताकि स्टूडेंट्स को पता चले कि यदि कोई भी उनको इश्यू हो तो किसको अप्रोच करें। स्टूडेंट्स भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, कई बच्चों को पहली बार स्टेज पर आने का मौका मिलता है, बोलने का मौका मिलता है, तो उनको एक मौका दिया जाता है और ये मौके उनको बार बार मिलेंगे बाद में, लेकिन पहला मौका इन्वोकेशन के टाइम पर उनको होता है। कुल कितने छात्र हैं सर? जी कुल कितने छात्र हैं अभी? आज 300 से ज़्यादा छात्र हैं, 240 बीबी में थे उनका हो गया, 350 के करीब आज हैं। तो इस तरह से 600-700 लोगों का अंडर ग्रेजुएट लोग स्टूडेंट्स का इन्वोकेशन प्रोग्राम आज पूरा हो जाएगा। इन्वोकेशन के बाद में जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है 10 दिन का, उसमें बच्चों को खबर कालादूंगी से, जहां नंदा गोरा कन्या धन के लिए छात्रों में आक्रोश है। छात्रों का कहना है कि जो 2017 के इंटर की छात्राएं हैं उन्हें मात्र 5,000 रुपए ही धनराशि देने का प्रावधान है, लेकिन इस वर्ष की जो छात्राएं हैं उन्हें अन्य वर्ष की जो छात्राएं हैं 51,000 रुपए का प्रावधान है। छात्रों का कहना है कि उनके साथ सौतेले व्यवहार क्यों? जो गोरा देवी कन्या धन योजना चल रही है, तो 2017 में क्या प्रावधान थे और 2019 में क्या नए प्रावधान आए हैं इसमें? जैसे कि 2017 में हमसे कहा गया था कि तुम्हें 50,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी, मगर वर्तमान में 2019 में उसमें हमसे 50,000 रुपए नहीं दिए जा रहे, सिर्फ 5,000 रुपए का प्रावधान है, जिसमें भी हमें मतलब पहले उन्होंने हमसे जो अपनी कागजात की कार्रवाई थी पूरी करवा ली गई थी और अब दोबारा फिर से पूरे कागज और 31 तारीख इसकी लास्ट डेट रखी है, जिससे कि छात्राओं में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो आपका आपका क्या कहना है कि डेट थोड़ी बढ़ाई जाए इसमें? जी बिल्कुल, डेट बढ़ानी चाहिए क्योंकि डेट बहुत कम समय में ही लड़कियों को पता चला है और इतनी लड़कियां भाग दौड़ कर रही हैं, उसके बाद भी थोड़ा बहुत तो डेट आगे बढ़नी चाहिए ताकि लड़कियां अपने सारी सब लड़कियों को उसका लाभ मिल सके। आपका कहना ये भी है कि जो आपकी प्रिंसिपल हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी है और वहाँ कोई आपका रिकॉर्ड नहीं है? बिल्कुल क्यों नहीं है, हम पूरा 6 से 12 वहाँ पास करके आए हैं और हम जब वहाँ फॉर्म भरे गए थे सब लड़कियों ने अपनी पूरी जिम्मेदारी से पूरे फॉर्म वहाँ पर कंप्लीट करके दिए। अब ये वहाँ पर बहुत बड़ा फॉल्ट है अपने आप में कि उन्होंने मतलब आगे हमारे कागज़ नहीं पहुँचाए और वो यही स्कूल में निरस्त कर दिए गए, जिससे काफ़ी लड़कियों में क्रोध उत्पन्न हो रहा है। आप जितनी लड़की धरना प्रदर्शन कर रही हैं तो कितनी संख्या है उनकी? समथिंग जानना चाहते हैं आपसे कि जो ये नंदा देवी गोरा योजना चल रही थी छात्रों के लिए, तो इसमें 2017 में क्या प्रावधान थे और 2019 में क्या क्या संशोधन हुए हैं? और देखिए, इसमें 2017 में जो प्रावधान था, जो कि स्कूल के द्वारा गोरा देवी कन्या योजना के अंतर्गत फॉर्म भरे गए थे छात्राओं के, उसमें 51,000 का प्रावधान था, लेकिन अब आकर सरकार ने उसमें 5,000 का प्रावधान डाला है, जिसमें कि स्कूली छात्राओं में बहुत आक्रोश है। इसी के माध्यम इसी को लेकर आज हम सीएम साहब को एक ज्ञापन दे रहे हैं सीएम साहब के माध्यम से कि इनके साथ सौतेला व्यवहार क्यों करा जा रहा है। तो जानना चाहते हैं क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं छात्रों को? सबसे पहले दिक्कत तो ये है कि हमें अवगत कराया गया है, छात्राओं को अवगत कराया गया है कि 31 जुलाई तक इसकी लास्ट डेट है और इसमें काफ़ी अड़चन आ रही है। आय प्रमाण पत्र के लिए ही सरकार की ओर से या तहसील डिपार्टमेंट की ओर से 15 दिन का समय दिया जाता है, जो कि वो 31 जुलाई तक संभव नहीं है। इसमें पहली बात तो डेट आगे होनी चाहिए और दोबारा आवेदन करने के लिए कहा गया है छात्राओं से। ठीक है, दोबारा आवेदन कर भी देंगी छात्राएं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि स्कूल में जो प्रिंसिपल हैं GGIC की, अगर उन्होंने आवेदन करे हैं लड़कियों ने, तो उनकी आवेदन का कुछ प्रमाण तो होगा। स्कूल के रजिस्टर में उनका क्रमांक भी नहीं है, ना कि उनका लड़कियों का नाम है। तो जानना चाहते हैं जो हानि होगी, इतनी बड़ी हानि जो होगी छात्रों को, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? जिसमें स्कूल प्रशासन और प्लस सरकार जिम्मेदार है। और आपका कहना यह है कि स्कूल के वो जो रजिस्टर होते हैं उसमें अंकित तलक का नहीं है, बायोडाटा नहीं है, तो इसका जिम्मेदार स्कूल डिपार्टमेंट। ठीक।
स्पोटरा के ग्राम पंचायत हाड़ोती के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर केशव मीना के नेतृत्व में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएससी प्रभारी डॉक्टर केशव मीना के नेतृत्व में गुलाब का पौधा लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके बाद चिकित्सालय परिसर में कई फलदार, छायादार और औषधीय पौधे लगाए गए। मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रक में भयंकर आग लग गई। जानकारी मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। दमकल विभाग के दो गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया। पीलीभीत में तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी है। पिछले तीन दिनों से तेज गति के कारण 16 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ताजा मामला थाना न्यूरिया क्षेत्र का है, जहां तेज गति से टनकपुर जा रही रोडवेज बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। साहब, एक हफ्ते में कई बड़े एक्सीडेंट होते हैं, क्या वजह मान रहे हैं आप इसके पीछे? यहाँ पे पहला एक्सीडेंट जो अभी इस क्रम में जो इन तीन एक्सीडेंटों में पहला एक्सीडेंट ग्राम जतिपुर बरेली रोड पे हुआ, जो कि एक ब्लैक स्पॉट था और वहाँ पे मिट्टी के ढेर के कारण सामने आने वाली गाड़ी से टकराव हुआ, क्योंकि ब्लैक स्पॉट पहले से ही घोषित था। इसको हम लोगों ने एक सप्ताह वहाँ पे अब उसका संतलीकरण कर दिया गया है और NHAI को के ठेकेदार पे FIR DM साहब ने कराई है और एक सप्ताह के अंदर ललौरी खेड़ा, जतिपुर, खमरिया पुल और शाही को दुरुस्त करने को कहा है कि पूरे पे वाइट पेंटिंग और येलो टर्नर्स रेड। हिंडोन की श्री महावीर जी थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ लगातार कार्यवाही करते हुए अवैध शराब की तस्करी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपी से अवैध शराब भी बरामद हुई है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला करौली द्वारा चलाए जा रहे गुंडा बदमाशान की धरपकड़ और विशेष रूप से मादक पदार्थों के धरपकड़ अभियान के तहत कल दिनांक 29/7/19 को बनवारीपुर मोड़ से अवैध शराब बेचते हुए लोकेश पुत्र उदय सिंह जाट निवासी बनवारीपुर को गिरफ्तार किया था, जिसके कब्जे से अवैध रूप से देसी और अंग्रेजी शराब मिली थी। और मुरादाबाद के थाना भगतपुर क्षेत्र के गांव बिलावाला में नव युवक ने पिता की बंदूक से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। युवक के इस कदम के बाद परिवार में कोहराम मचा है। वहीं जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जी, क्या नाम है आपका? भाईपाल। कहाँ के निवासी? बिलावाला। ये क्या घटना घटी है आज आपके घर पर? क्या तनाव है उसे इस बात का, तो उसे ही पता होगा। पढ़े घर है मथुरा में। कहाँ पढ़ते थे? मथुरा से नहीं पता। घर पर कब आए थे? परसों आया है। क्या नाम था इनका? आप कौन हैं उनके? यहाँ पर क्या घटना घटी है? देखिए, सूचना मिली पुलिस को करीबन 6:15 बजे 6:30 बजे करीबन सूचना मिली कि गांव बिलावाली थाना भगतपुर में लगता है, और सूचना मिली कि साहब मृतक विशाल सन ऑफ सोमपाल, जो कि वेटनरी कोर्स कर रहा था मथुरा में, सेकेंड ईयर था उसका, घटनास्थल पर अब पुलिस पहुंची और वैज्ञानिक टीम भी जो है पुलिस के साथ में यहां पहुंचकर पूरी कार्रवाई हुई। मृतक के पिता श्री सोमपाल द्वारा लिखित तहरीर दी है कि उनका लड़का मथुरा में जो पढ़ाई कर रहा था मानसिक रूप से काफ़ी तनाव में था पढ़ाई को लेकर के, और रात में जो उनकी लाइसेंस की बंदूक लेकर के वो ऊपर सोता था, 5:30 बजे करीबन उसने अपने आप गोली मार ली और पिताजी वगैरह तुरंत पहुँचे देखे, डॉक्टरों को बुलाया गया लेकिन उसकी मौत हो गई। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया है, जबकि एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। इंदिरापुरम इलाके के वैशाली पुलिया के पास ये मुठभेड़ हुई है। बदमाशों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की लेकिन बदमाश नहीं रुके और उन्होंने पुलिस पर गोली चला दी। जवाब में पुलिस ने गोली चलाई तो एक बदमाश घायल हो गया। बदमाश गाड़ी में सवार होकर आए थे, बाकी के बदमाशों की तलाश फिलहाल की जा रही है।